सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज, अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे जनपद के नोडल अधिकारी, समीक्षा बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत को परखा। लहचुरा के कार्य को जल्द पूरा करने के लिए निर्देश। महोबा जनपद के नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग सचिव S00M00 रिजवी अपने दो दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे। यहां मंत्री समूह के जनपद भ्रमण के उपरांत कृत कार्यवाही की समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने संतोष जताया है तो वहीं उनके द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत को परखा गया है। यही नहीं, उन्होंने ARTO विभाग का भी औचक निरीक्षण किया। साथ ही लहचुरा बांध के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश सिंचाई विभाग और जल निगम के अधिकारियों को दिए हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को जल्द पूरा करने के लिए उनके द्वारा शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि महोबा जनपद में उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव S00M00 रिजवी जिले के नोडल अधिकारी हैं, जो अपने दो दिवसीय दौरे पर आज महोबा पहुंचे हैं। दो दिवसीय दौरे के दौरान उनके द्वारा कलेक्टरेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक में पूर्व में मंत्री समूह के जनपद भ्रमण के दौरान कृत कार्यवाही से संबंधित समीक्षा की गई है। इस समीक्षा बैठक को लेकर उन्होंने संतोष जाहिर किया। साथ ही उनके द्वारा अन्य विभागों के अधिकारियों से भी विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने ITR भरने वाले किसान जो सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उनकी रिकवरी जल्द कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने लहचुरा बांध कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। नोडल अधिकारी ने सरकार की योजनाओं की भी समीक्षा की। कन्या सुमंगला योजना, शादी अनुदान योजना जैसी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। उसके बाद जिला अधिकारी मनोज कुमार के साथ जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। वार्ड में भर्ती मरीजों से भी मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उन्होंने जानकारियां ली। अस्पताल के अंदर हो रहे निर्माण कार्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। अस्पताल में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को लेकर पूर्व में ही रिपोर्ट भेज दी गई है। वह अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं ताकि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। हाँ, बेहतर तो हुआ है, हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें सुधार हुई हैं और आपके सामने ही इंस्पेक्शन हो रहा है तो उसमें भी आपने देखा होगा जहाँ पर जो कमियाँ मिली हैं उसको पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और आशा है कि अब आइंदा नहीं होगा ऐसा। जो 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 कमियाँ हैं छोटी मोटी, सब उसको सुधार किया जाएगा। सर, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी लगातार कमी हुई है। पहले दौरे में भी आपने देखा था, इस दौरे में भी कमी है। डॉक्टर यहाँ कम हैं, उसके बावजूद भी व्यवस्थाएँ चल रही हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को कब तक दूर किया जाएगा? देखिए, इसके लिए कोई टाइम शेड्यूल चूँकि लोकल हमारे वश में नहीं है, ये तो शासन स्तर के ऊपर उपलब्धता मेडिकल ऑफिसर्स की और पैरामेडिकल की वहीं से देखी जाती है और यहाँ से आवश्यकता का आकलन करके डिमांड तो कर ही दी गई है। अब वहाँ हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वहाँ से जैसा आदेश होगा। बात डिमांड की जाए तो सालों से डिमांड की जा रही है लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम अपने स्तर से भी इसको अपने उसमें नोट में लिखेंगे, अपने स्तर से भी लिखेंगे। सर, आपके द्वारा समीक्षा बैठक भी की गई है, किस तरीके से ये दिशा निर्देश दिए गए? इसमें देखिए, माननीय मंत्री समूह द्वारा जो निरीक्षण किया गया है हमको उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट की समीक्षा करनी होती है। 6 घंटा तो कम से कम समीक्षा हुई है और संतोषजनक है। जो उसके ऊपर कार्रवाई है ठीक हुई है।